हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DDM फार्मा क्लासेस में। टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से फार्माकोनोसी का ड्रग्स जिसका नाम है अजवाइन। दोस्तों ये अजवाइन जो है फार्माकोनोसी हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम फार्माकोनोसी है। फार्माकोनोसी में हमारा एक ड्रग्स है जिसका नाम अजवाइन है। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अजवाइन के बारे में। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक करके मुझे बताएं कि आपने किस लिए डिसलाइक किया है। लेकिन आप लोग रास्ते में अगर वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। वीडियो पूरा देखें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा बना है। अगर जैसा अगर कोई दिक्कत होती है हम उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम फार्माकोनोसी है, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम ड्रग्स है, जो उसका नाम अजवाइन है। इसका एक साइनोनिम्स होता है, साइनोनिम सबका होता है। सारे ड्रग्स जो होते हैं उसमें कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसा कि बोटेनिकल सोर्स पूछा जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाता है, और उसका कैरेक्टर पूछा जाता है, कैसा कैरेक्टर है उसका, और उसके बाद उसका यूज पूछा जाता है, जिससे कि हमको पूरे ड्रग्स के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जाम से पूछी जाती हैं, जैसा कि पूरा पूछ लेता कभी कभी, जैसा कि पूछ लिया द डिफाइंड ऑफ फार्माकोनोसी ऑफ अजवाइन, ऐसे में हमको सारा कुछ बताना होता है डिटेल के साथ। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ डिटेल से भी पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आज स्टार्ट करते हैं साइनोनिम्स। साइनोनिम्स किसी व्यक्ति का दूसरा नाम होता है, जैसे किसी पर्सन का दो दो नाम होता है, वैसे साइनोनिम्स हो गया। अजवाइन का साइनोनिम्स होता है अजवाइन, अजवाइन। उसके बाद दूसरा होता है अजवाइन फ्रूट्स, ये दो हो गया। उसके बाद बोटेनिकल सोर्स होता है, बोटेनिकल सोर्स का मतलब ये किस में पाया जाता है, तो ये इसका नाम टर्मिस परमम अमी, TRACHYSPERMUM अमी, AMMI, टर्मिस परमम अमी, ठीक है, ट्राइकिस परमम अमी है। उसके बाद फैमिली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फैमिली मतलब किसी भी फैमिली का, कोई भी किसी बंदे का आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पहले उससे फैमिली से जानकारी ले लें, उसकी फैमिली के बारे में जान लें। जैसा कि उसकी फैमिली का नाम है एमली फेरी, अजवाइन के फैमिली का नाम है एमली फेरी, ठीक है। उसके बाद इसका जियोग्राफिकल सोर्स देख लेते हैं, जियोग्राफिकल सोर्स इसका क्या है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जियोग्राफिकल सोर्स हमारा जो है ये मेनली इंडिया और ईरान में होता है। तो इंडिया में भी जो होता है वो इंडिया में राजस्थान में 55% होता है पूरे इंडिया का, तो उसको हम लोग देखेंगे कल्टीवेशन में। तो ये जिसका कल्टीवेशन देख लेते हैं, तो कल्टीवेशन ये दोस्तों द प्लांट्स मेनली कल्टिवेटेड इन राजस्थान, मैंने बताया आप लोगों को राजस्थान में 55% होता है। तो द प्लांट मेनली कल्टिवेटेड इन राजस्थान प्रोडक्शन अबाउट 55% ऑफ इंडिया, पूरे भारत का 55% राजस्थान में पाया जाता है। और इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टर के बारे में और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो सारे ड्रग्स में होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम थाइमोल है और कार्बाक्रोल है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों को स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है, बाई चांस एग्ज़ाम में पूछ लिया आपको बताना पड़ेगा, तो इसको बता देना भी ज़रूरी है कि आप लोग पढ़े रहेंगे तो अच्छे से बता लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो हम लोग आपको बता दे रहे हैं इसका कैसा क्या होता है। एक थाइमोल हो गया, उसके बाद एक कार्बाक्रोल हो गया, कार्बाक्रोल, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर वही बना लेते हैं, आइए देखते हैं। ये किए आपसे, अगर मुझसे अच्छा आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को समझना भी है तो भी ज़रूरी है, देखते हैं। ये हमारा थाइमोल का स्ट्रक्चर बन गया है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कार्बाक्रोल का, उसका भी बना लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को एग्जाम्स में लिखने में,
ये हो गया, और उसके बाद ये आप लोग वाच कर रहे हैं, देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे ये स्ट्रक्चर सहित बन गया, हमारा पूरा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर को जैसा, कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं। कोई व्यक्ति अंदर से अच्छा होता है, बाहर से ख़राब होता है। कोई व्यक्ति बाहर से ख़राब होता है, अंदर से अच्छा होता है, वैसा इसका भी होता है। इनर पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, एंड आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या जो भी है आप लोग पढ़ देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कलर के बारे में, इसका कलर कैसा है, इसके शेप के बारे में पढ़ेंगे, इसका शेप कैसा होता है। उसके बाद इसके ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, इसका ऑर्डर हो गया। टेस्ट देख लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, और इसका साइज देख लेते हैं। ये मेन चीज़ें हैं, तो जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसमें भी बताने वाले हैं। तो कलर इसका जो होता है वो ब्राउन होता है, कैसा होता है कलर इसका, ब्राउन होता है। इसका जो शेप है वो अवॉइड बोल दें इसको, अवॉइड, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर जो होता है वो थाइमोल है, ऑर्डर हमारा थाइमोल हो गया। इसके बाद इसका जो टेस्ट है वो एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक, ये हो गया। उसके बाद साइज 2 mm है, 2 mm लॉन्ग, या हम लोग अबाउट लगा देते हैं, नहीं इसका वो हो गया, ठीक है, साइज इसका हो गया अबाउट 2 mm लॉन्ग हो गया। तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसके यूज के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स हम लोग इसका यूज देख लेते हैं, इसका यूज कैसा है। दोस्तों इसका यूज देखते हैं, इसका यूज जो है जैसा कि हम लोग इसमें लिखेंगे, इसका यूज हम लोग स्पाइसी मसाले के रूप में भी करते हैं। इस तड़का वगैरह हम लोग दाल में लगाते हैं, किसी अन्य चीज़ में तड़का लगाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, तो ऐसा ही है। और इसका कफ एंड कोल्ड के यूज में भी आता है, ठीक है। तो हम लोग लिखने वाले हैं, इट इज यूज्ड एज अ सॉरी स्पाइसी, स्पाइस हो गया, एंड अजवान इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड कफ, ठीक है। दोस्तों ये हमारा यूज भी हो चुका है। तो टुडे हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं, जैसा कि इट इज आल्सो यूज्ड एज एरोमेटिक एंड कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। दोस्तों हमारा यूज कंप्लीट हो चुका है। टुडे हम लोग की आज के टॉपिक में हम लोग अजवाइन के बारे में पढ़ लिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जल्दी ही पढ़ने वाले हैं। हम लोग कई चीज़ अभी तक पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जा करके, प्ले लिस्ट में सारा कुछ दिया हुआ है, और मैंने लगभग किसी कई वीडियोज़ में इसका सारा लिंक भी डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक से डिस्क्रिप्शन में जाइए आप लोग लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।